राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामढ़ी की हत्या के जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। शूटर रोहित की गर्लफ्रेंड से उसकी नजदीकियां हो गई थी, जिस बात से रोहित काफी नाराज था और उसने गोगामढ़ी के खिलाफ मन में रंजिश पाल ली थी। जेल में रहने के दौरान ही जब चारण ने उसके इस गुस्से का फायदा उठाकर गोगामढ़ी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गया। गोगामढ़ी की हत्या करने वाले दो शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस हत्या के दो प्रमुख वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह यह बताई जा रही है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर रोहित गोदरा गोगामढ़ी से नाराज चल रहा था। दरअसल साल 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन अनंतपाल की मौत के विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उस धरने में सुखदेव सिंह भी शामिल हुआ था, लेकिन वो धरने के बीच में उठकर चला गया था। ये बात रोहित गोदरा को बुरी लग गई थी और वो उसका दुश्मन बन बैठा था। वहीं हत्या का दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि शूटर रोहित की गर्लफ्रेंड से सुखदेव सिंह गोगामढ़ी की नजदीकियां हो गई थी, जिस बात से रोहित काफी नाराज था और उसने गोगामढ़ी के खिलाफ मन में रंजिश पाल ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित राठौर की गर्लफ्रेंड ने जब उस पर रेप का केस दर्ज करवाया तो राठौर जेल पहुंच गया। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड की पैरवी खुद सुखदेव सिंह कर रहा था, इसी वजह से वो उसका बदला लेना चाहता था। जेल में रहने के दौरान ही रोहित राठौर की मुलाकात वीरेंद्र चारण से हुई। उसने गोगामढ़ी के खिलाफ रोहित के गुस्से को हथियार बनाया और उसे कत्ल करने के लिए राजी कर लिया। वहीं नितिन फौजी लॉरेंस बिश्नोई की करीबी दोस्त और कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा का पहले से जानकार था। शूटरों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने का जिम्मा नवीन शेखावत पर था। नवीन शेखावत ने दोनों शूटरों को अपना परिचित बताकर सुखदेव के घर फ्रेंडली एंट्री करवाई थी। हालांकि इस दौरान नवीन शेखावत को यह पता था कि सुखदेव टारगेट पर है, पर वो चाहता था कि बातचीत से यह मामला हल हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जब शूटर सुगामढ़ी को मारने आगे आए तो शेखावत ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिस वजह से शूटरों ने उसे भी गोली मार दी। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड गोदरा सिग्नल ऐप के जरिए न केवल शूटर्स के लगातार टच में था, बल्कि चारण और रोहित गोदरा ऑपरेशन के दौरान हत्या के पहले और बाद में लगातार फोन पर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रोहित गोल्डी बराट से भी इस ऑपरेशन की जानकारी ले रहा था। वहीं पूछताछ में शूटरों ने बताया कि उन्होंने हत्या करने के बाद फोन तोड़ दिए थे और हथियार जयपुर के डिवाइन के पास कहीं जंगल में फेंक दिया था। अब सुखदेव सिंह गोगामढ़ी का मर्डर केस अब एक नया मोड़ ले रहा है। अब देखना यह होता है कि क्या कुछ और आगे सामने निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें सारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।